भारत अने चीन वच्चे सरहद विवाद वधी रह्यो छे। भारतना कड़क वलण बाद अंते चीनना तेवर पण ढीला पड्या। सीमा विवाद पर चीनना सुर हवे बदलाई गया छे। चीने कह्युं के भारतीय सीमा पर स्थिति संपूर्णपणे स्थिर अने नियंत्रण हेठळ छे। बन्ने देश परस्पर वातचीत मार्फते विविध प्रश्नोना उकेल माटे व्यवस्था धरावे छे। चीनना विदेश मंत्रालयना प्रवक्ता झाओ लिजियने कह्युं छे के सरहदने लगता प्रश्नोने लईने चीननी स्थिति स्पष्ट छे। बन्ने देशोना नेताओनी बैठक बाद जे महत्वनी सहमति अने समझूती थई हती तेनुं चुस्तपणे पालन करवामां आवी रह्युं छे। डोकला हम पर भारत के कदम से चीन इस तरह बौखलाया हुआ है कि एक तरफ चीन भारत को लगातार उकसाने की कोशिश कर रहा है तो दूसरी तरफ हाल ही में चीन ने एक युद्ध अभ्यास का वीडियो जारी करते हुए भारत को चुनौती देने की कोशिश की। लेकिन चीन ये नहीं जानता कि भारत सक्षम है और लगातार चीन को जवाबी कार्रवाई देने के लिए तैयार है। TV9 भारतवर्ष लह से आपको सीधी रिपोर्ट दिखाने की लगातार पहल कर रहा है। ये मेरे पीछे आप जो देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन आपको जूम करके दिखाएं, ये जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी के बिल्कुल उस तरफ वो लोकेशन है जहां पर पिछले 21 दिन से स्टैंड ऑफ चीन और भारत के बीच जारी है। और मैं आपको बता दूं, तीन ऐसे लोकेशन है जिसमें चीन लगातार भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें पहला लोकेशन है गलवान नदी, दूसरा पेंगोंग लेक और तीसरा हॉट स्प्रिंग। यानी ये तीनों लोकेशन पर चीन ने पिछले कई दिनों से अपनी सेना की तैनाती बढ़ाने की लगातार पहल की है और भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि युद्ध अभ्यास वीडियो जारी करने के बाद चीन ने कहीं ना कहीं हिमाकत की कि वो भारत को चुनौती दे, लेकिन भारत लह में लगातार चीन को जवाबी कार्रवाई देने के लिए तैयार है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, कारगिल से होते हुए या कश्मीर घाटी से होते हुए जो रास्ता लह जाता है, कुछ सालों पहले अगर बात करें तो ये रास्ता बिल्कुल कई महीनों तक बंद रहता था, क्योंकि कश्मीर घाटी और लद्दाख में मौसम के चलते कई ऐसे रास्ते हैं जो बंद रहते हैं। लेकिन चीन नहीं जानता कि लद्दाख में अब भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करते हुए बढ़ा दिया है। यानी भी किसी भी मौसम में भारतीय सुरक्षा बल चीन को जवाबी कार्रवाई देने के लिए सक्षम है। और लगातार जिस तरह स्टैंड ऑफ पिछले 21 दिन से चीन के इस पहाड़ी के पीछे, जो हॉट स्प्रिंग की बात करें या गलवान नदी की बात करें, चल रहा है, वहां पर चीन लगातार हिमाकत करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस तरफ भी भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई तैयार रखी गई है। कैमरा पर्सन सईद मुर्सा के साथ इरफान कुरैशी, TV9 भारत।